अभी हाल ही में न्यूज आई है कि कन्नड़ एक्टर पुनीत कुमार को हार्ट अटैक आया। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं काफी सारी वीडियो हार्ट अटैक पर डाल रही थी, और आपकी नॉलेज के लिए कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है, क्या करना है, ये सब डाल रही थी। पर सोचो, एक एक्टर जिसके रोज ही फिजिकल चेकअप होता है, अच्छी डाइट लेता है, और उसके बाद भी उन लोगों को इस तरह के अटैक क्यों आ जाते हैं, इस पर भी मैं पहले प्रीवियस में वीडियो बना चुकी हूँ कौन से कारण हैं जिनसे अटैक आते हैं। आज की वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि अगर आपको मॉर्निंग टाइम में अटैक आ सकता है और इस अटैक को आप कैसे पहचानेंगे। फ्रेंड्स, कमेंट्स आते हैं कि मुझे लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, या हाथ में दर्द हो रहा है। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूँ जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो कैसा होता है, और ये अगर आपको इस मॉर्निंग के टाइम में आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक क्यों हो जाता है। देखिए, मॉर्निंग के टाइम में जो भी अटैक आते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसमें 20% जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। इसी कारण मॉर्निंग टाइम में आने वाले अटैक में इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। इस सब जानने के पहले आप ये जान लीजिए कि हार्ट अटैक अगर आता है तो क्या होता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने उनके सिम्टम बताए हैं, लेकिन पेन को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन रहती है, लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का जो पेन होता है वो कैसा होता है। मोस्टली जो अटैक का पेन होता है सुबह के टाइम आ रहा है, और सर्दी में इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका रीजन होता है कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है सुबह के टाइम इतना मजबूत नहीं होता कि वो आपके ब्लड को पतला कर सके, तो ऐसे में थके बनने की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा रहती है, जिसको सार्केडियन सिस्टम कहते हैं मेडिकल टर्म में। यानी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब जो आपके बॉडी को मेंटेन करता है, आप घड़ी देखें या ना देखें, आप जाग जाते हैं, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिससे हमारा बॉडी का सिस्टम चलता है। तो सुबह के टाइम ये हमारा कमज़ोर होता है, तो इसीलिए जितने भी अटैक होते हैं वो सुबह के टाइम ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो पेन की अगर हम बात करें तो जैसे कि सिम्टम में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। ये तेज़, इतना तेज़ दर्द होता है कि आप इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। यानी आप इतने नर्वस हो जाते हैं कि आप अपना सेल्फ से डिसीजन नहीं ले सकते, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आप उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। यानी अचानक से उठने वाला दर्द है इतना तेज जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर आपको चेस्ट में दर्द हो रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, अगर ऐसा कहीं भी दर्द हो रहा है तो वो हार्ट अटैक का दर्द नहीं है। हार्ट अटैक का दर्द होता है यहाँ बीच का हिस्सा होता है, और ये कोई दबाने से दर्द नहीं होता। यहाँ पर आपको भारीपन लगता है, और ये कुछ टाइम के लिए ही होता है, और ये बंद भी हो जाता है। कई बार आप माइनर अटैक हो जाते हैं और इनका पता भी नहीं चलता है। तो अगर सुबह के टाइम में किसी को बहुत ज़्यादा तेज, इतना तेज जो सहन नहीं हो रहा, दर्द होता है इस जगह पर होता है, भारीपन लगता है और उल्टियाँ आती हैं, इस तरह का अटैक आता है तो ये हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ यहाँ ऐसा बदलने वाला दर्द हो रहा है तो इसके दूसरे सिम्टम हो सकते हैं, निमोनिया के कारण भी हो सकते हैं। एक मैंने वीडियो बनाई थी कोस्टियोकोंड्राइटिस, तो उसका भी पेन क्या होता है, हमारी जो पसलियाँ होती हैं, रेब होती हैं, इस तरीके से जुड़ी होती हैं, और नीचे का जो हिस्सा होता है वो इस तरह से खुला रहता है। तो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो वो जो नीचे का रेब वैसा होता है। तो ये जॉइंट होते हैं, इन जॉइंट पर सूजन आ जाती है जिसके कारण से आपको दर्द होता है। तो उसका दर्द पता करने के लिए अगर आपको इस हिस्से में दर्द हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि हार्ट अटैक का दर्द तो नहीं है, तो आप ऐसे कीजिए, अगर आपका ये दर्द है जो बढ़ रहा है तो वो कोस्टियोकोंड्राइटिस का दर्द है। तो ये होता है शुरुआती जो हार्ट अटैक का पेन होता है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, और साथ ही और भी वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिए, उनको देखिए और जानकारी लीजिए। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकते हैं।